वो कथा करना। मैंने कहा आपने भी के पास कॉन्फिडेंस होना चाहिए। हमारे गांव से एक आदमी गए पैसे वाले, हरिद्वार क्रिया करने के लिए, पैसे वाला आदमी। उधर पंडित जी धीरज शर्मा जैसे पंडित जी, दोनों तगड़े लोग। इधर से ये दादा भी पैसे वाले, उधर से वो पंडित जी भी बड़े मास्टर माइंड। उन्होंने कहा बोला यार आदमी आया तगड़ा माल देगा ये। अब वो पंडित जी गए दौड़े दौड़े, अब वो जल्दी जल्दी गए तो उनके हाथ में जो वो थाली थी कंकु की वो वहीं भूल गए। उन्होंने कहा कि यार अगर मैं वो थाली लेने के लिए जाऊं तो ये दादा निकल जाए वहीं से। तो उन्होंने करा कुछ नहीं करा, दिमाग से काम लिया पंडित जी ने, नीचे झुके रेत उठाई और वो दादा थे उनके माथे पे तिलक लगाया, बोले ये गंगा की रेत है, इके कंकु का सम्मान मानो और गाय दो आप दक्षिणा में। वे भी खतरनाक आदमी था, मड़ाए पानी में हाथ गालियो, एक डेंडकी लाया, बोले या लो पंडित जी अने गंगा की डेंडकी ने थम गाय का बरोबर जानो, बराबर का मामला, दोनों का कॉन्फिडेंस था। ये संबंधों के खेल थे। तो भैया ये हो गया, एक कविता सुना देता हूँ मैं, समय काफी हो चुका है। मेरी इन दिनों की नई कविता है लव जेहाद, तो मैंने एक कविता लिखी है, एक नया सब्जेक्ट है पूरे देश के अंदर जेहर जो फैलाया जा रहा है, वो कविता है लव जेहाद। हम स्कूल में छोटे छोटे थे तो पढ़ने के लिए जाते थे, तो हमारे जो दोस्त लोग, हम प्रार्थना करते थे सर जनगणमन अधिनायक जाइए भारत भाग विधाता, उसमें प्रार्थना खत्म हो जाती थी, कॉम्पिटिशन रहता था कि भारत माता की जय सबसे पहले कौन बोलेगा। तीन बार भारत माता की जय बोली जाती, भारत माता की जय, भारत माता, तीन बार बोलते थे। वो दोस्त पिछड़ गया हमसे, वो दोस्त पिछड़ गया, पता नहीं वो दोस्त आजकल कहाँ चला गया। जो बचपन में भारत माता की जय बोलता था, उस दोस्त ने आज बंदूक उठा ली है और वो वहाँ सीमा पर चला गया। वो एक आतंकवादी बन चुका है मेरे भाई, वो भी इसी हिंदुस्तान का बेटा था। हम किस पाकिस्तान को गाली दे रहे हैं? वो पाकिस्तान, वो बांग्लादेश, वो चीन, जो अशोक भाई ने बताया कि वो चीन हमारे साथ ऐसी हरकत कर रहा है। हमने हमारे बच्चे को सिर्फ ये बताया कि बेटा 26 जनवरी और 15 अगस्त के दिन प्लास्टिक के तिरंगे के झंडे पकड़ा दिए हमने उनको, और हमारे सर उन्हें नारा दे दिया कि कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक भारत एक है। हमने हमारे बच्चे को कभी ये नहीं बताया कि जिस कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी की हम बात कर रहे हैं वो भारत टूटा हुआ भारत है, वो अधूरा भारत है, अखंड भारत की कल्पना हमने कभी करी नहीं। वो पाकिस्तान से बांग्लादेश से लेकर के आर्यावर्त रेवाखंड हमारा हिंदुस्तान कितना बड़ा हिंदुस्तान था, ये भारत के सारे टुकड़े हैं मेरे भाई। वो एक दोस्त वहां चला गया, उसने बम और बारूद की शरण में चला गया। तब मैंने कुछ पंक्ति लिखने की कोशिश करी कि ये मेरे पुराने प्यारे मित्र, सुने मेरे भाई, नई कविता है, आप लोग भी पहली बार सुनेंगे और इसलिए सुनेंगे क्योंकि मैं सुना भी आपको पहली बार रहा हूं, इसलिए आप पहली बार सुनेंगे। ए मेरे पुराने प्यारे मित्र, ए मेरे पुराने प्यारे मित्र, ऐसे कैसे बदल गया रे तेरा चरित्र, तू भूलने का इतना आदि कैसे हो गया है, तू भूलने का इतना आदि कैसे हो गया है, शायद तूने कुरान ढंग से नहीं पढ़ी इसीलिए जेहादी हो गया है, शायद तूने कुरान ढंग से नहीं पढ़ी है इसीलिए जेहादी हो गया है। आशीष भाई कह रहे थे कि आप कविता समझे, कविता समझ रहे हैं तो ताली बजाना, कविता समझ रहे हैं तो ताली बजाना। अब मैं आपके बीच में चार लाइन पढ़ता हूं, निश्चित आपके समझ तक पहुंचेगी। ए मेरे पुराने प्यारे मित्र, ऐसे कैसे बदल गया रे तेरा चरित्र, तू भूलने का इतना आदि कैसे हो गया है, शायद तूने कुरान ढंग से नहीं पढ़ी इसीलिए तू जेहादी हो गया है। माँ की कोख से पहला कदम तूने इसी धरती पर रखा है, माँ की कोख से पहला कदम तूने इसी धरती पर रखा है, इस मिट्टी के स्वाद को तूने कई बार चखा है, तेरे अब्बू की उंगली पकड़ करके तू इस धरती पर घूमा है, ठोकर खाकर गिरा तो सैकड़ों बार इस मिट्टी को तूने चूमा है, इस गांव के गलियों के चबूतरे पे तूने कई रातें काटी है, अरे मूर्ख तुझे पता ही नहीं ईद की सेवैया तूने मेरे घर तक आकर के बांटी है, ईद की सेवैया तूने मेरे घर तक आकर के बांटी। अगली पंक्ति में शायद अब आपके हाथ खुले, मूर्ख तुझे पता ही नहीं ईद की सेवैया तूने मेरे घर तक आकर के बांटी है, तुतलाती जबान पर उस वक्त भारत माता की जय, जब हम स्कूल में पढ़ते थे तब तो तू भारत माता की जय बोलता था, आज वहां सीमा पर जहर उगल रहा है, तुतलाती जबान पर, तुतलाती जबान पर भारत माता की जय, और मन में प्यारा वतन था
जब पहली बारिश में तू भींगा था तो मेरा कमीज और तेरा बदन था। वो खुशी के दिन पता नहीं क्यों अब गम में बदल चुके हैं, और चुराए थे चुपके चुपके जो बेर हमने साथ में, पता नहीं क्यों अब वो बम में बदल चुके हैं। चुराए थे वो बेर। कविता अब यहां से शुरू होती है, एक साथ आपको सुनना है, एक साथ ताली बजा देना, 10 पंक्तियां मैं आपको सुना देता हूं। के यार कैसे भूले वो सावन के झूले जो साथ साथ में झूले, कैसे भूले वो सावन के झूले जो हम साथ साथ में झूले, वो आवारा गिरदी की बातें, वो सर्दी की कम कपाती हुई रातें, रोज रोज स्कूल में बुखार का बहाना, नदी पर जाकर के नहाना, खुशियों के हमने वो दिन भी जो देखे थे, जब चोरी से अमरूद मैंने तुम्हारी तरफ फेंके थे, और पत्तों की सरसराहट से रमतु काका जाग गया था, उस वक्त तू मेरे हिस्से के अमरूद लेकर के भाग गया था। वो दिन गए, वो रातें गई, वो बातें गई, और पता नहीं आ गया है तू किसकी बातों में, बारूद लेकर के बैठा है अमरूद वाले हाथों में, बारूद लेकर के बैठा है तू अमरूद वाले हाथों में। बहुत कम लोग यहाँ पर बचे हैं राजोत के लोगों, इन कवियों को बताएं कि आप कविता के संस्कार जानते हैं। मैं चार लाइन कविता की सुनाता हूँ कि बारूद लेकर के बैठा है तू अमरूद वाले हाथों में। अरे उम्र में तू उस वक्त बहुत छोटा था, उम्र में उस वक्त तू बहुत छोटा था, तेरी मौसी के घर से ही तू लौटा था, तेरी मेरी उस वक्त चल रही थी कुट्टी, खत्म होने को आ गई थी गर्मी की छुट्टी, और अकस्मात तू बीमार पड़ा तो छूट गए थे तेरे हाथों के वो गिल्ली डंडे, वो उछलना कूदना वो हथकंडे, तब मेरे दादा ने डाले थे तेरे गले में ताबीज और गंडे, हमारे गांव की संस्कृति पे एक भी हाथ खाली न रहे, छूट गए थे उस वक्त तेरे हाथों के वो गिल्ली डंडे, वो उछलना कूदना वो हथकंडे, तब मेरे दादा ने डाले थे तेरे घर में तेरे गले में ताबीज और गंडे, मेरे घर वालों ने तेरे नाम पर कितना संताप किया था, अरे मूर्ख तुझे पता ही नहीं मेरी मां ने तेरे नाम पर कई बार महामृत्युंजय का जाप किया था, मेरी मां ने तेरे नाम पर कई बार महामृत्युंजय का जाप किया था। उस मोहब्बत का, उस दोस्ती का आज तूने ये संदेश बांटा है, जिसने तुझे उस वक्त गले लगाया था आज उसी का गला तूने काटा है, जिस हेमराज का गला काट करके ले गए पाकिस्तान के सैनिक, हमारे हिंदुस्तान के सैनिक का सर क्यों काट करके ले गए, हमें जिस चीज की आवश्यकता होती है हम उस चीज को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, हो सकता है पाकिस्तान के लोगों के पास में सर हो ही नहीं, शायद वो हिंदुस्तान के उन जाबाज बेटों का सर इसलिए काट करके ले गए कि वो वहां पाकिस्तान में लाहौर में जाकर के बताएंगे कि ये वो हिंदुस्तान के बेटों के सर हैं जो कटना पसंद करते हैं परंतु झुकना पसंद नहीं करते। मोहब्बत का, उस खुशी का, उस दोस्ती के मोहब्बत का तूने ये संदेश बांटा है, जिसने तुझे उस वक्त गले लगाया उसी का गला आज तूने काटा है। चार लाइन मेरी प्राण पंक्तियां इस कविता की, ये मेरा अनुभव है, ये आपका अनुभव है कि अभी भी जिंदा है वो तेरा मेरा गांव, वो समझाता है कि अभी भी जिंदा है वो तेरा मेरा गांव, जिंदा है वहां अभी भी नीम पीपल और मोरसली की छांव, जिंदा है वहां अभी भी सारे रिश्ते नाते, जिंदा है वहां आज भी जुम्मन शेख और अलगू चौधरी की बातें, शाम ढले पीपल तले तुलसी की गुरुवा के नीचे दीपक जले, कच्ची पक्की दीवारों पे संजा की आकृति, पग पग पर बिखेरती है वहां प्रकृति, सांझ ढले संजा के गीत गाती बच्चिया, तेरी बंदूक की आवाज से डर जाएगी और मत फैला ये बारूदी धुआं, अपने गांव की सारी तितलियां मर जाएगी, मत फैला ये बारूदी धुआं, अपने गांव की सारी तितलियां मर जाएगी। दो पंक्तियां पढ़ता हूं, जितने लोग हैं एक बार ताली बजाना, मुझे आशीर्वाद देना कि मत फैला ये बारूदी धुआं, अपने गांव की सारी तितलियां मर जाएगी, और तेरे आने की उम्मीद में, तेरे आने की उम्मीद में आज भी कागा बोलता है वहां नीम के पेड़ पर। हमारे घर कोई मेहमान आता है तो हम कहते हैं कौवा बोल रहा है। तेरे आने की उम्मीद में आज भी कागा बोलता है वहां नीम की पेड़ पर, प्राणों को पुतलियों में लिए पिताजी बैठे होंगे खेत की मेड़ पर, और सुनहरी धूप निकली होगी गांव में तेरे पापी बदन को सेकने के लिए। एक पंक्ति स्वीकार करे, सुनहरी धूप निकली होगी गांव में तेरे पापी बदन को सेकने के लिए,
और कंठ में प्राण लिए हुए माँ बैठी है कल मुहे एक बार तेरा मुंह देखने के लिए। कंठ में प्राण लिए हुए माँ बैठी है एक बार तेरा मुंह देखने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।